लॉन्ग टर्म शेयर्स LTS में आप सभी का स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना प्राप्त होती रहे। आज मैं जिस स्टॉक जिस बैंक के बारे में बात करूँगा उसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक में मैंने लास्ट वीडियो बनाया था और उसमें मैंने ये कहा था कि ये अभी फ़िलहाल HDFC बैंक नहीं बन सकती। एक मेरे दोस्त एक सब्सक्राइबर के प्रश्न का उत्तर मैंने दिया था और तब भी Q4 के रिजल्ट्स नहीं आए थे, अभी भी Q4 के रिजल्ट्स आने बाकी हैं Q4 के, जिसकी प्रतीक्षा सभी कर रहे हैं। और लेकिन मुझे कुछ चेंजेस लगा इन दिनों, तो मुझे जो चेंजेस लगा इस बैंक में, इसमें जो पोटेंशियल नज़र आया, तो मुझे लगा आपसे शेयर करना चाहिए। वो इसलिए कि ज़रूरी नहीं कि बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें देखने के बाद ही हम किसी पे पैसे इन्वेस्ट करें। कई चीज़ें ऐसी भी देखनी पड़ती हैं कि उनका मैनेजमेंट यानी MD CEO कौन है इस समय और उनकी प्रोफाइल क्या है, उनका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, उन्होंने कहाँ पहले काम किया जो इसमें अभी फ़िलहाल इस बैंक को, क्योंकि अभी ये दिसंबर में 2018 में कैपिटल फर्स्ट जो कि एक MBFC कंपनी फाइनेंस की कंपनी थी उससे मर्ज हुई है। तो अब ये एक ऑब्वियसली कैपिटल वाइज बड़ी हो गई है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसका बड़ा हो गया, कस्टमर बेस भी बड़ा हो गया है। लेकिन अब आगे आने वाले समय में क्या इसमें निवेश किया जा सकता है, तो कितना तक हमको रिटर्न मिल सकता है, किस उम्मीद के साथ, तो हमें कई चीज़ें जानना होगा। कंपनी के वैल्यूएशन क्या है, इसकी NPA क्या है और इनका जो MD मैनेजमेंट कैसा है। तो चलिए हम इसी पे आज बात करेंगे, कोशिश करूँगा एक छोटा वीडियो ही बने। बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है इनके प्रोडक्ट्स, तो पहले हम वेबसाइट पे विज़िट कर लेते हैं। नॉर्मल बैंकों के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वही इसके भी हैं, पर्सनल बैंकिंग, बिजनेस बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट। अवर प्रेजेंस इन 17,215 पॉइंट्स अक्रॉस इंडिया। हाँ, अबाउट द मर्जर जो कैपिटल फर्स्ट से मर्ज हुई थी, ऑफर्स और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बैंकिंग में होती हैं नॉर्मली। अब हम इनके MD CEO के बारे में हम जानना ज़रूरी है, मिस्टर वी वैद्यनाथन, मैनेजिंग डायरेक्टर CEO IDFC फर्स्ट बैंक। थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ इसलिए कि अगर आप पैसा निवेश कर रहे हैं तो जाने, मैं ब्रीफ में बताऊँगा, बहुत सारी चीज़ें स्किप कर दूँगा। बहुत बड़ी प्रोफाइल है इनकी, बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। मिस्टर वी वैद्यनाथन इज़ द फर्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ द IDFC फर्स्ट बैंक, अ बैंक फाउंडेड बाई द मर्जर ऑफ कैपिटल फर्स्ट एंड IDFC फर्स्ट इन दिसंबर 2018। प्रायर टू दिस रोल ही फाउंडेड कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड बाई फर्स्ट एक्वायरिंग एन एक्विटी स्टेक इन एन एग्जिस्टिंग MBFC एंड देन एक्सक्यूटिंग अ मैनेजमेंट बाय आउट बाई सिक्योरिंग एन इक्विटी बैंकिंग ऑफ ₹810 crore इन 2012 फ्राम पी वॉरबर्ग पिक्चर्स फ्राम BMBO इंक्लूडेड। इसको थोड़ा सा हम स्किप करते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं। As part of our entrepreneurial journey, he left ICICI Group in 2010 में उन्होंने ICICI Group को छोड़ा and acquired a stake in a small startup MBFC. He then exited legacy businesses of real estate financing, देखो real estate में भी थे, financing में थे, foreign exchange, broking, investment management businesses and instead of transformed the company into a large retail financial institution with operation in more than 225 locations across India. India between March 2010 to September 2018, he has grown the retail financing book from ₹94 crores, मतलब 94 करोड़ to 29,625 crores. इन्होंने जो ग्रो करवाया जिस कंपनी को, has grown the equity capital from 690 crores to 8 crores and reduce the gross NPA and net NPA from 5.36 to 3.78%. तो इनका जो एक्सपीरियंस था ज़बरदस्त, जिन काम करने का तरीका रहा, देखिए यहाँ पे NPA कम करवाया जिस कंपनी में काम करते थे, और बहुत सारी डिटेल्स हैं, मैं स्किप करना चाहूँगा, एक बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। ही ज्वाइंड ICICI लिमिटेड इन अर्ली 2000 व्हेन इट वाज अ डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन and the retail businesses he built helped the transition of ICICI from a DFI to a universal bank.
जहाँ पहले रिटेल बिजनेस की बैंक हुआ करती थी, वहीं इन्होंने हेल्प किया ट्रांजिशन इसको इसको मतलब बदलने में, ऑफ ICICI फ्रॉम टू DFI टू एन यूनिवर्सल बैंक। ही बिल्ड द रिटेल बैंकिंग बिजनेसेस फॉर ICICI लिमिटेड सिंस इट्स इंसेप्शन। जब से बैंक शुरू हुई थी, इसको जो है रिटेल बैंकिंग में बदलने में इन्हीं का श्रेय है। एंड ग्रू ICICI बैंक टू 14-11 बैंक ब्रांचेस इन 800 सिटीज़, मतलब 800 शहर में 1411 ब्रांचेस का भी श्रेय खोलने का इन्हीं को जाता है। 25 मिलियन कस्टमर्स, अ वास्ट CASA, मतलब करंट एंड सेविंग अकाउंट्स की जो रिटेल से डिपॉजिट बेस्ड ब्रांचेस, इंटरनेट एंड डिजिटल बैंकिंग बिल्ड अ रिटेल लोन बुक ऑफ ओवर Rs. 1,35,000 करोड़ इन मॉर्गेज, ऑटो लोन्स, कमर्शियल व्हीकल्स, क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन्स। इन एडिशन वी ऑल्सो बिल्ड द SME बिजनेस एंड मैनेज द रूरल बैंकिंग बिजनेसेस फॉर द बैंक। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, जंप करता हूँ, क्योंकि बहुत सारा एक्सपीरियंस है इनके पास। और ICICI, ही वॉज अपॉइंटेड द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द बोर्ड ऑफ ICICI बैंक इन 2006 एंड लेटर बिकेम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ ICICI पोटेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन 2019। ही वॉज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ द ICICI होम फाइनेंस एंड सर्व ऑन द बोर्ड ऑफ CIBIL, जो एक क्रेडिट ब्यूरो है, जिन जो कस्टमर्स कोई भी लोन लेता है तो वहाँ पर उनकी क्रेडिट ब्यूरो अपडेट होती है। इंडियाज फर्स्ट क्रेडिट ब्यूरो, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ही स्टार्ट हिज करियर्स विद सिटी बैंक इन इंडिया 1990 में इन्होंने सिटी बैंक इंडिया में काम करना शुरू किया था एंड वर्कड देयर टिल 2000। तो सिटी बैंक का एक्सपीरियंस, फिर 2000 से ICICI बैंक का 2010 तक एक्सपीरियंस। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे रियल इस्टेट फाइनेंस कंपनी, जैसे कि ऊपर मैंने पढ़ा, काम करते गए। वेयर ही लर्न द रूप्स इन कंज्यूमर बैंकिंग। तो नो डाउट इनको ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, ज़बरदस्त इनका अनुभव रहा है, और किसी बैंक को चलाने में इनके लिए बाएं हाथ का खेल है। तो ज़बरदस्त, सिटी बैंक और ICICI बैंक का दिग्गज बैंक हैं, इंटरनेशनल बैंक हैं। तो अब इनके कंधे पर ICICI कैपिटल फर्स्ट का भार है, अब इनको ले जाना है। तो सबसे बड़ा जो बदलाव मैंने देखा है December 18 के बाद, कि मुझे जहाँ मेरा जो भी शहर है, आपके भी आसपास जो आपका शहर होगा, IDFC फर्स्ट कैपिटल फर्स्ट बैंक के ब्रांचेस खुलने शुरू हो गए हैं, ATMs ज़्यादा खुलने शुरू हो गए हैं, पहले रेयर ही दिखते थे। तो ये एक बदलाव हुआ है, रिटेल बैंकिंग में ज़बरदस्त से घुस रहे हैं और फिलहाल धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है। तो देखते हैं कि आज का क्या भाव है, स्टॉक प्राइस क्या है, और क्या ये बैंक आपको ज़बरदस्त मुनाफा कमवा सकती है। देखिए, एक अभी तो धीरे धीरे ग्रो कर रही है, क्वार्टर के रिजल्ट्स अगर अच्छे आते हैं तो और बाइंग बनती है, अगर फिर भी आते थोड़ा रुकावट, क्योंकि अभी काफ़ी 32 रुपये से 56 रुपये तक भागा था इसका स्टॉक प्राइस। तो प्रेजेंट वर्तमान समय में क्या स्थिति, आइए देख लेते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड 50 रुपये 65 पैसे का भाव है, आज है संडे, लेकिन 3 मई को जो लास्ट क्लोजिंग हुई थी बैंक, जो मार्केट जिस दिन खुली थी 3 मई 2019, और 50 रुपये 65 पैसे के भाव पे ट्रेड हो रहा था। 52 वीक लो इसने बनाया था 32 रुपये 70 पैसे और हाई था 56 रुपये 85 पैसे। हाँ, अब यहाँ पे देखिए, लो जब था 9 अक्टूबर को और हाई इसने बनाया था करीब 1 अप्रैल 2019 को, राइट, और आज जो है 50 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप है इसका अभी 24,221 करोड़, पी हम देख लेंगे, बुक वैल्यू 34 की है और इंडस्ट्री पी 32.91 की है, डिलीवरेबल है 36.50%, फेस वैल्यू अभी भी 10 की है। हाँ, यहाँ पे देखिए, पी रेशियो हम देख ही चुके हैं, EPS है 1.84, 1 रुपये 84 पैसे, प्राइस टू बुक है 1.45, डिलीवरेबल देख चुके हैं, डिविडेंड भी पे करती है, और जिन्होंने 6 महीने में पैसे इन्वेस्ट किए थे उनको 42.28% का रिटर्न मिल चुका है या मिल रहा है एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को अभी भी, और जिन्होंने 1 साल पहले लगाया था उनको करीब 6% के आसपास मिल रहा है रिटर्न। अब उनके फाइनेंशियल देख लेते हैं, हालांकि हाँ स्टैंडर्ड, ये देखिए
डेट मत देखिए, क्योंकि बैंकें पैसे लेके ही पैसे आगे देती हैं, तो उसी में जो इनको ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट अर्निंग होती है, वही कमाती है। तो जहाँ मार्च 18 में, तो हम अभी मर्ज हुई है बैंक, तो यहाँ से पकड़ते हैं, क्योंकि मेन जो क्लियरेंस हमें मिल पाएगा जब ये Q4 के रिजल्ट्स आएंगे तभी हम बता पाएंगे। लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि इनका दिसंबर 18 में कैसा रहा। दिसंबर 18 में इंटरेस्ट अर्निंग रही 3,664 करोड़ की, और नेट प्रॉफिट रहा 15, नेगेटिव में था, मतलब 1,538 करोड़ की नेगेटिव है ना। और सितंबर 18 में भी जहाँ 369 के नेगेटिव में नेट प्रॉफिट थी, और वहीं पे इंटरेस्ट अर्निंग में 2,334 करोड़। तो निसंदेह नेट इंटरेस्ट अर्निंग में तो सितंबर 18 के बजाय दिसंबर 18 में अपसाइड है, लेकिन दोनों क्वार्टर में नेगेटिव थे, लेकिन इनका और यहाँ पे नेट प्रॉफिट बढ़ गया नेगेटिव में। वैल्यूएशन पे देखते हैं, तो अभी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, मतलब बाइंग की जा सकती है, और अगर और नीचे मिलता है तो मुझे लगता है 50 तक तो पहुंच ही गया है, तो और भी नीचे आ सकता है, तब थोड़े थोड़े इस पर ख़रीदारी बनती है, क्योंकि एक बैंक है, और बैंक सारे इंडस्ट्रीज, सारे सेक्टर्स बैंक से जुड़े होते हैं, ये आपको पता है। लेकिन मैनेजमेंट भी इनका काफ़ी अच्छा है, तो उम्मीद तो ऐसे की जा रही है कि भविष्य में अच्छा करे ये बैंक। जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो यही मैं कहना चाहूँगा, फिर भी अपने आप क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र ज़रूर मशवरा कर लें, कोई भी स्टॉक लेने या बेचने से पहले। प्रमोटर्स की होल्डिंग भी देख लेते हैं। प्रमोटर्स की 40% है, दिसंबर 18 में 56% थी, दिसंबर 18 में 40%। ओके, और देखिए म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग जो है आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स, माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे डेट की वजह से कुछ फिर चाहेंगे। यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स की जो होल्डिंग है, आदित्य बिरला सन लाइफ एमएनसी फंड, कोटक बैंकिंग ईटीएफ फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ, इतने सारे म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स हैं, और भी सारी हैं, जो डिटेल्स में जाने पे आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं मनी कंट्रोल की साइट पे। तो दोस्तों बस यही कहना चाह रहा था कि IDFC फर्स्ट बैंक मेरा रिव्यू देना था कि अभी फ़िलहाल क्या कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि और नीचे भी जा सकता है, थोड़ा सा वेट करें, आप जल्दबाजी ना करें, और फिर भी मैं इस पे बुलिश हूँ, क्योंकि बैंक है और मुझे इसमें अभी नज़र आने लगा है बदलाव। फिर भी जब तक Q4 के रिजल्ट्स नहीं आते तब तक एग्जैक्ट कहना कुछ भी ठीक नहीं रहेगा, तो थोड़ा सा वेट करिए, और अगर नीचे के लेवल पे मिलता है और भी, क्योंकि 32 से 50 हुआ था, तो ज़रूर आप जो है तब खरीदारी बन सकती है, थोड़ा सा वेरी अट्रैक्टिव पे जाने दीजिए। दोस्तों मुझे लगा कि आपको ज़रूर वीडियो पसंद आया होगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जुड़े रहिए हमारे साथ, मैं जल्द ही एक नेक्स्ट इनके रिजल्ट आने पे वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।